नमस्कार मित्रों, पिछले व्याख्यान में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में चर्चा की। अब इस व्याख्यान में हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के संबंध में बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपके पिछला व्याख्यान समझ में आया होगा। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, एक सैद्धांतिक और दूसरी व्यवहारिक। सैद्धांतिक शिक्षा प्रणाली को प्लेटो दो भागों में विभाजित करता है। पहली जो शिक्षा होगी वो प्रारंभिक शिक्षा, और इसका प्रारंभ 6 वर्ष की अवस्था से प्लेटो मानता है। 6 से 14 वर्ष तक की अवस्था तक प्रारंभिक शिक्षा की बात प्लेटो करता है, और इसमें जो मुख्य विषय होंगे, जो मुख्य बल दिया जाएगा, वह है व्यायाम और संगीत की शिक्षा पर दिया जाएगा, क्योंकि व्यायाम शारीरिक स्वस्थता के लिए और संगीत मानसिक स्वस्थता के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा प्लेटो का मानना था। और शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, कविता, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र और सामान्य गणित का अध्ययन इस प्रारंभिक शिक्षा की कड़ी में करवाया जाएगा। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा में ही दूसरी जो अवस्था होगी वह 14 से 18 वर्ष तक की अवस्था में अध्ययन करवाया जाएगा। ये चार वर्षीय पाठ्यक्रम प्लेटो ने बताया, और इस अवस्था में जो मुख्य पाठ्यक्रम होगा वह होगा भाषाशास्त्र, कलाशास्त्र, अलंकार और राजनीति से संबंधित मामलों की शिक्षा दी जाएगी। इसी प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो कहता है कि 18 से 20 वर्ष तक की अवस्था में, यानी लगभग 2 वर्ष तक कठोर सैनिक शिक्षा होगी। इससे पूर्व प्लेटो ये कहता है कि 18 वर्ष की अवस्था में एक परीक्षा होगी, और इस परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण होंगे उन लोगों के लिए 18 से 20 वर्ष तक की अवस्था में कठोर सैनिक शिक्षा दी जाएगी, और इस कठोर सैनिक शिक्षा के बाद, यानी 20 वर्ष की अवस्था में एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और इस परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण होंगे वो लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे पढ़ाई करेंगे, यानी उच्च शिक्षा में उनका दाखिला होगा। तो उच्च शिक्षा, ये दूसरा इन्होंने भाग बताया सैद्धांतिक शिक्षा का, और इसका जो प्रथम स्टेज है वह है 20 वर्ष से 30 वर्ष की अवस्था में शिक्षा। और इस अवस्था में जो मुख्य पाठ्यक्रम होगा वह होगा अंक गणित, रेखा गणित, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान आदि सामान्य तर्कपूर्ण और बहुत गहन विषयों का अध्ययन इस अवस्था में करवाया जाएगा। जब 20 वर्ष से 30 वर्ष तक की अवस्था में अध्ययन कर चुके होंगे विद्यार्थी, तो 30 वर्ष की अवस्था में एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी इस वैज्ञानिक शिक्षा के बाद एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और इस परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल होंगे वे ही आगे दार्शनिक राजा बनने के लिए अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से सुनिए, जो 30 वर्ष की अवस्था में आयोजित परीक्षा में सफल होंगे वे ही आगे दार्शनिक राजा बनने के लिए अध्ययन करेंगे, और इसके लिए उन्होंने 30 वर्ष से 35 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा के संदर्भ में बात कही। और इस अवस्था में दार्शनिक राजा बनने के लिए गहन विषयों का, यानी आवश्यक विषयों का गहन अध्ययन करवाया जाएगा, जिसके पाठ्यक्रम में शामिल होंगे द्वंद्व शास्त्र, तर्क शास्त्र, मीमांसा, ज्योतिष आदि का गहन अध्ययन करवाया जाएगा। प्लेटो कहता है कि 35 वर्ष की अवस्था में एक परीक्षा का आयोजन होगा, और इस परीक्षा में सफल होने के बाद भी, इस परीक्षा में सफल होने के बाद बहुत कम लोग, या यूं कह दीजिए एक दो सफल विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे, और वो दार्शनिक राजा बनने के योग्य होंगे। प्लेटो कहता है कि 35 वर्ष की अवस्था में यदि कोई परीक्षा पास कर लेगा तो वो दार्शनिक राजा बनने की योग्यता हासिल कर लेगा,
यानी दार्शनिक राजा बनने योग्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लेटो 30 से 35 वर्ष की अवस्था में व्यवहारिक शिक्षा की भी बात करता है, और व्यवहारिक शिक्षा में सामान्य शिष्टाचार, सामान्य सामाजिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक बारीकियां, कूटनीतिक बारीकियां, इन इस प्रकार की शिक्षा का तर्कपूर्ण तरीके से अध्ययन करवाया जाता है। और प्लेटो कहता है कि 35 वर्ष की अवस्था के बाद भी जो विद्यार्थी सफल होंगे दार्शनिक राजा बनने की ओर अग्रसर होंगे, वे आगे भी निरंतर 50 वर्ष की अवस्था तक अध्ययन करते रहेंगे। यानी प्लेटो ये कह रहा है कि यहाँ भी शिक्षा का अंत नहीं होगा 35 वर्ष की अवस्था में। इसका मतलब यह है कि आगे 35 वर्ष के बाद भी वह व्यक्ति 50 वर्ष की अवस्था तक निरंतर अध्ययन अध्यापन क्रियाओं में लगा रहेगा, यानी निरंतर पढ़ता रहेगा। तो ये प्लेटो की बहुत लंबी शिक्षा प्रणाली है जो लगभग 50 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस शिक्षा सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ बात करते हैं कि ये प्लेटो की बहुत व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली है, स्टेप बाय स्टेप है, और हर स्तर का अपना अलग पाठ्यक्रम है, और हर स्तर पर एक परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में सफल होने के बाद में ही वह अगले चरण में प्रवेश करता है। तो एक बहुत कठोर शिक्षा प्रणाली है। प्लेटो कहता है कि इन सब परीक्षाओं से निकलकर जो व्यक्ति दार्शनिक राजा बनने की ओर अग्रसर होगा वह बहुत ज्ञानी होगा, बहुत प्रकांड विद्वान होगा, और उसके अंदर ज्ञान की ज्योति धधक रही होगी, और वह सब प्रकार के राग द्वेष घृणा ईर्ष्या और सब प्रकार के प्रलोभनों से ऊपर उठकर काम करेगा। प्लेटो कहता है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि शिक्षा से सभी प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज होता है, तो शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य वृक्षों एवं चट्टानों से निर्मित नहीं होता, अपितु उसमें रहने वाले लोगों के चरित्र से राज्य बनता है। व्यक्तियों को श्रेष्ठ एवं चरित्रवान बनाने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। प्लेटो कह रहा है कि वृक्षों और चट्टानों से राज्य नहीं बनता, यानी उसमें रहने वाले चरित्रवान लोगों से राज्य बनता है, और उसके लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात प्लेटो ने कही, और प्लेटो ने अच्छी शिक्षा व्यवस्था का सिद्धांत दिया भी, और अपने समय में उसको स्थापित कर एथेंस में, एथेंस राज्य में स्थापित करवाने का भी प्रयास किया। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनकी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो प्लेटो ने एथेंस में एक शिक्षा संस्था की स्थापना भी की। ये तात्कालीन समय में, या यूं कह दीजिए कि विश्व की प्रथम शिक्षा संस्थान थी, और उसको नाम दिया अकादमी। अकादमी उसमें नाम दिया। अपने भी यहाँ नालंदा, तक्षशिला, कई विश्वविद्यालय हुए, लेकिन यूरोप या यूनान की यह जो शिक्षा संस्था थी बहुत प्राचीन और संभवतः प्रथम शिक्षा संस्थान है ये। इस शिक्षा संस्थान के दरवाजे पर प्लेटो ने ये लिखवाया कि जो व्यक्ति गणित के ज्ञान से अनभिज्ञ है या अनजान है वह इस संस्था में प्रवेश नहीं ले। अर्थात आप देख लीजिए कि उस समय भी प्लेटो ने गणित के महत्व को कितना समझा, और उन्होंने गणित के महत्व, गणित विषय को बाकायदा अपने अध्ययन अध्यापन में और अपने अकादमी में बहुत बढ़ाया, और गणित से जो गणित के ज्ञान से जो वाकिफ थे उनको अपनी अकादमी में प्रवेश दिलाया। अब प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताओं की अपन बात करते हैं। पहली, व्यवस्थित शिक्षा योजना। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि प्लेटो की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित है, कि 6 वर्ष की अवस्था में बालक ज्ञानार्जन के लिए जाएगा, फिर 14 वर्ष तक की अवस्था के लिए तक प्रारंभिक शिक्षा, और फिर उसमें भी 14 से 18 वर्ष तक उच्च प्रारंभिक शिक्षा, और फिर उसके बाद में 18 से 20 वर्ष तक सैन्य शिक्षा, और सैन्य शिक्षा लेने के बाद जो परीक्षा होगी उसमें सफल होने के बाद में फिर उच्च शिक्षा में वो दाखिला लेगा। दूसरा, प्लेटो ने शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया, एक तो सैद्धांतिक शिक्षा,
और एक व्यवहारिक शिक्षा। ये आधुनिक समय भी होता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। अपने बहुत से विषय ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल भी चलते हैं और प्रैक्टिकल भी चलते हैं, जैसे ड्राइंग है, भूगोल है, संगीत है, गणित है, या विज्ञान के सारे विषय थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल होते हैं। फिर प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की अगली विशेषता कि प्लेटो ने स्त्री और पुरुषों के लिए समान शिक्षा की बात कही। अब आप देखिए कि इतने वर्षों पूर्व भी प्लेटो ने स्त्रियों के साथ शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने की बात प्लेटो ने कही। ये प्लेटो का बहुत उच्च कोटि का चिंतन है और प्लेटो की बहुत दूरदृष्टि सोच को इंगित करता है। फिर प्लेटो कहता है शिक्षा राज्य नियंत्रित होगी, यानी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को राज्य नियंत्रित बताया। ये बात भी बिल्कुल सही है, राज्य नियंत्रित शिक्षा होगी तो शिक्षा का पाठ्यक्रम भी सिमिलर होगा और परीक्षाओं के आयोजन में भी समानता होगी और उनके परिणाम में भी समानता होगी और उसी परिणाम के अनुसार फिर उनके कार्य विभाजन में भी समानता होगी। तो एक नियंत्रित शिक्षा, राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात प्लेटो ने कही। इसके अलावा प्लेटो अनिवार्य शिक्षा की बात करता है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष बालक गरीब अमीर सब लोगों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, यानी किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट है कि इन्होंने उच्च शिक्षा केवल संरक्षक वर्ग के लिए निर्धारित की। प्रारंभिक शिक्षा तो सभी वर्गों को इन्होंने निर्धारित की, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए कहा कि यह केवल संरक्षक वर्ग के लिए ही होगी। तो यहाँ एक भेदभाव झलकता है, इसकी आगे बात करेंगे। शिक्षा मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए आवश्यक, ये भी प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की एक विशेषता रही और इसके लिए बाकायदा उन्होंने संगीत और व्यायाम के अध्ययन अध्यापन और अध्ययन अध्यापन क्रियाओं की बात कही कि शारीरिक विकास के लिए व्यायाम और मानसिक विकास के लिए संगीत की शिक्षा अनिवार्य है। तो ये प्लेटो का बहुत ही समृद्ध चिंतन रहा। प्लेटो की शिक्षा की और विशेषता है सैनिक शिक्षा व्यवस्था। अनिवार्य रूप से उन्होंने 2 साल के लिए सैनिक शिक्षा व्यवस्था, और जो लोग दार्शनिक राजा बनेंगे या जो लोग उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे उनके लिए भी कंपलसरी थी सैनिक शिक्षा व्यवस्था। और ये स्पार्टा में तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन प्लेटो ने इसको एथेंस में लागू किया। और आज भी बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ सैनिक शिक्षा अनिवार्य है, जैसे इजराइल की बात करते हैं, इजराइल में सैनिक शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा में सर्वांगीण विकास पर बल दिया प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में, उन सभी विषयों को अलग अलग स्तर पर शामिल किया जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, जैसे ज्योतिष है, तर्कशास्त्र है, द्वंद्व शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, इसके अलावा रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, संगीत, व्यायाम, राजनीति, दर्शन, मनोविज्ञान, यानी लगभग सभी विषयों के अध्ययन अध्यापन की बात प्लेटो ने अपने चिंतन में कही। गणित के अध्ययन पर विशेष बल, मैंने आपको पहले ही कहा कि प्लेटो ने तो अपनी शिक्षा संस्था अकादमी के दरवाजे पर ही ये लिखवा दिया था कि गणित से अनजान व्यक्ति, गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति इस संस्था में प्रवेश नहीं करे। तो आप समझ सकते हो कि गणित को कितना महत्व दिया प्लेटो ने। तो गणित विषय को बहुत महत्व दिया प्लेटो ने। दार्शनिक राजा के लिए आजीवन शिक्षा की बात प्लेटो ने कही। और वैसे तो देखो शिक्षा सभी सभी के लिए जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, लेकिन प्लेटो ने विशेष रूप से कहा कि जो लोग दार्शनिक राजा बनने की ओर अग्रसर होंगे वो 50 वर्ष की अवस्था तक अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में भी प्लेटो ने कहा कि उसके बाद में भी वह निरंतर अध्यापन करता रहेगा, ऐसा नहीं कि उसका अध्ययन बंद हो जाएगा। तो इन्हें दार्शनिक राजा के लिए आजीवन शिक्षा की बात प्लेटो ने कही। उच्च शिक्षा, अब यहाँ उच्च शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग के लिए, यानी सैनिक वर्ग और दार्शनिक राजा, इन वर्गों के लिए ही उन्होंने उच्च शिक्षा की बात की। प्रारंभिक शिक्षा के दरवाजे तो उन्होंने सबके लिए खोले, उसमें उत्पादक वर्ग भी शामिल था, लेकिन उच्च शिक्षा उन्होंने केवल दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग तक ही सीमित रखी। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का महत्व, एक तो व्यक्ति की आत्मा का विकास इसमें,
नागरिकों को सद्गुणी बनाना, शिक्षा का दार्शनिक महत्व, दार्शनिक महत्व भी क्योंकि इन्होंने तो दर्शन शास्त्र के पिता ही माने जाते हैं, और इन्होंने ऐसे ऐसे दार्शनिक सिद्धांत दिए जिनकी मौलिकता आज तक है। शिक्षा का राजनीतिक महत्व, क्योंकि अगर अरस्तु को भी कहीं राजनीतिक चिंतन का आधार दिखाई देता है तो वो प्लेटो के चिंतन से ही लेता है। तो शिक्षा का राजनीतिक महत्व और शिक्षा का व्यवस्थित पाठ्यक्रम, ये बहुत बड़ी देन है प्लेटो की, कि जो प्लेटो ने शिक्षा का व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया, कहीं ना कहीं उसकी छाप आज तक शिक्षा व्यवस्था पर दिखाई देती है। आज भी अपन देखते हैं हर स्तर पर हर क्लास के लिए अलग सिलेबस निर्धारित किया गया, और उस सिलेबस के अनुसार उसके पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। तो व्यवस्थित पाठ्यक्रम होना बहुत जरूरी है कि किस स्तर पर किस लेवल की के पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा और किस लेवल के विषय को पढ़ाया जाएगा। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी होती है। अब यहाँ हम कुछ प्रमुख आलोचनाओं की, क्योंकि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत भी पूर्ण तो नहीं है, उसमें भी बहुत सी खामियां हैं, उनकी अपन आलोचना करते हैं। एक पहली आलोचना तो यह है कि शिक्षा सभी वर्गों के लिए नहीं। प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के साथ बहुत भेदभाव किया, उन्होंने उत्पादक वर्ग को शिक्षा के प्रथम चरण में ही बाहर कर दिया और उच्च शिक्षा के दरवाजे और दार्शनिक राजा बनने के दरवाजे केवल संरक्षक वर्ग के लिए खोले। तो ये प्लेटो के चिंतन की, शिक्षा सिद्धांत की बहुत बड़ी आलोचना है। दूसरी, बहुत लंबी शिक्षा प्रणाली, बहुत लंबी शिक्षा प्रणाली है कि 50 वर्ष की अवस्था तक भी व्यक्ति पढ़ता रहेगा, जबकि अपने यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, लेकिन जब अध्ययन अध्यापन की बात केवल ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए कही गई है, तो यानी 25 वर्ष की अवस्था तक, जबकि प्लेटो ये कहता है कि 50 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति पढ़ता रहेगा, यानी उसका अध्ययन अध्यापन निरंतर चलता रहेगा। तो उसको फिर अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए अवकाश कब मिलेगा? ये तो बहुत लंबी शिक्षा प्रणाली है और इसकी आलोचना होती है, क्योंकि बहुत लंबी शिक्षा प्रणाली के लाभ कम और हानि अधिक होती है। कहीं ना कहीं एक स्तर पर जाकर व्यक्ति कुंठित हो जाता है और व्यक्ति का ज्ञान प्रबल होने की बजाय क्षीण होता जाता है। बहुत खर्चीली शिक्षा प्रणाली, जब जितनी लंबी शिक्षा प्रणाली होगी उतना ही खर्चा अधिक होगा, ये तो बात स्पष्ट है, क्योंकि अपने यहाँ BA MA BSc BCom MSc MCom, उसके बाद में कुछ स्टेप और है जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उनको करने होते हैं विद्यार्थियों को, लेकिन बहुत लंबी शिक्षा प्रणाली की बात प्लेटो करता है। और बहुत लंबी शिक्षा प्रणाली के साथ साथ बहुत खर्चीली शिक्षा प्रणाली, 50 वर्ष तक पढ़ता रहेगा व्यक्ति तो पैसा तो खर्च होगा, और इतने वर्षों तक कौन पढ़ाएगा? आज आज के इस वर्तमान दौर में 50 वर्ष तक की अवस्था की, अवस्था तक शिक्षा की अगर कोई कल्पना करेगा तो क्या ये उचित है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी लंबी शिक्षा प्रणाली किसी के भी हित में नहीं हो सकती, और खर्चा तो हो गई। कला और संगीत पर अधिक बल, इन्होंने कुछ विषय ऐसे हैं जैसे कला और संगीत और गणित, इन विषयों पर अधिक बल दिया, और आलोचक ये कहते हैं कि बहुत से विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे तर्क शास्त्र हैं, ज्योतिष हैं, और रेखा गणित, बीज गणित है, अंक गणित पर ज़्यादा ध्यान देता है प्लेटो, तो बहुत से विषयों पर प्लेटो ने कम ध्यान दिया, कम बल देता है, और कला और संगीत पर अधिक बल देता है। तो इस बिंदु को लेकर भी आलोचक प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की आलोचना करते हैं। राज्य नियंत्रित शिक्षा, ये भी प्लेटो की, ये प्लेटो की शिक्षा का सकारात्मक बिंदु भी है, लेकिन यहाँ इसमें नकारात्मकता का पहलू भी ढूंढा जा सकता है कि राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था का अपना एक सेट पैटर्न होता है और उसका अपना एक सेट सिलेबस होता है। यदि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दूसरे पाठ्यक्रम पढ़ना चाहे तो वह चाहकर भी नहीं पढ़ सकता। तो राज्य नियंत्रित शिक्षा की आलोचकों ने यहाँ आलोचना की कि शिक्षा व्यवस्था पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, शिक्षा सिद्धांत बिल्कुल खुला होना चाहिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम खुला होना चाहिए, और हर व्यक्ति अपने इच्छा से, अपने
स्तर के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम का चयन करके अध्ययन कर सकता है, ऐसी छूट होनी चाहिए। तो ये प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के संबंध में अपने बात की, आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।